भवन जो कि गुरुदेव महाकाल की जन्मस्थली आवलखेड़ा डॉर्मेट्री है, जिसमें मैं इस 3 नंबर कमरे में हूँ। आवाज़ गुरुदेव की जन्मस्थली में सुबह की आरती के लिए जाने के की प्रेरणा के कारण मैं जब 3 बजे उठा तो चारों तरफ गुप्त अंधेरा, जो कि अभी 3:50 तक भी है, कहीं कोई लाइट नहीं है। ऐसे में बहुत मुश्किल से मैं अपने को 3:20 पर नहाना मैंने शुरू किया और उसके बाद 3:47 पे मैं तैयार होके बाहर निकला। यहीं से मैं दर्शन कर रहा हूँ। ये मंदिर गायत्री मंदिर का मेन हॉल है, प्रांगण है, बिल्कुल अंधेरा है चारों तरफ। मंदिर में भी कोई रोशनी नहीं दिखे, अंदर दिखाई पड़ रही। और ये इसका उधर से किनारा, और ये इस टाइप अब रोशनी देखिए जली है, अंदर इस समय जली है, जस्ट अभी मुश्किल से 2 मिनट पहले। अभी तक ये लाइट बंद थी आपकी। जय माँ गायत्री। 4:30 की आरती के लिए वैसे मेरा ये कहना है कि इतना अंधेरा नहीं होना चाहिए, कम से कम शिखर पे तो रोशनी होनी चाहिए। शिखर पे देखिए अभी भी रोशनी नहीं है, चंद्रदेव बिल्डिंग के ऊपर चमकते हुए। और ये मेन बिल्डिंग का हिस्सा जो कि घुप अंधेरे में डूबा हुआ है। जय महाकाल, जय गुरुदेव। ये बाहर मेन जो बरहन को जो रास्ता रोड गई है, ये हाईवे है बगल से, वहाँ रोशनी थोड़ी बहुत दिखाई पड़ रही है। देखिए आप जो है कैसे क्या हो। जय महाकाल, जय गुरुदेव। महाकाल के हाथों की कृपा के कारण आज मैंने जन्मस्थली की आरती जो कि 4:30 होती है, वहाँ जाने के लिए मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ। और वहाँ के दर्शन अभी तो खुला नहीं है, 4 बजे शायद खुलेगा मंदिर। सामने एक लाइट जल रही देखिए पूरे प्रांगण, अगर यहाँ सोलर लाइट लगा ली जाए तो शायद काफ़ी आराम हो सकता है। व्यवस्था के नाम पर ये लापरवाही कही जाए। ये मेन गेट है देखिए, बिल्कुल अंधेरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय महाकाल। जब तक नहीं चरित विकास तब तक कर्मकांड उपहास। व्यवस्था को अगर गुरुदेव ने मान लिया होता सही सब, तो शायद मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा जो उन्होंने बदलाव लाने की कोशिश की, पुनर्चेतना, बहुत सी चीज़ें शायद वो नहीं आ पाती। तो व्यवस्था को अपने स्तर पे सही मान लेना सही नहीं है। यहाँ सोलर लाइट का इंतज़ाम होना चाहिए कम से कम। मेन स्थान तो जगमगाते रहे जय गुरुदेव जय महाकाल। और आज अभी वो जमाधार भी जो कि 3 बजे झाड़ू लगाते हैं, वो भी नहीं दिखाई पड़ना। केवल एकाध इस वाले में थोड़ी सी रोशनी दिखाई पड़ रही है। और ये भोजनालय का हिस्सा आगे जहाँ एक लाइट जल रही है, जहाँ पे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 के दिन यज्ञशाला में कार्यक्रम 5:30 से 7 बजे के बाद इसी स्थान पे सभी को एकत्र होना है, योग करेंगे लोग। ये एक जगह लाइट दिख रही बस हो गया।
इस तरह की हल्की फुल्की लाइटें जलनी चाहिए। ठीक है, कन्वेंशन जो है उसमें रोशनी को कम करना है रात में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि पूरा प्रांगण अंधेरे में रहेगा। ये भगवती भोजनालय, कम से कम यहाँ तो रोशनी है। चलिए, जगन माता भगवती भोजनालय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। अविलंब जरूरत है सोलर लाइट की, जिससे ये स्थान शिखर जगमगाता रहे गुरुदेव की मंदिर का। और ये जो उन्होंने युग निर्माण योजना का आगाज किया था, वो अविरल गति से चलता रहे। जय महाकाल, जय गुरुदेव।